हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो अपना वीडियो होगा वो होगा अपनी अपाचे आरटीआर 200 की पांच अच्छाइयाँ और पांच बुराइयाँ, 5 गुड थिंग्स और 5 बैड थिंग्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसको मेरे पास हो गए हैं 2.5 साल हो गए हैं मेरे को, 2.5 साल नहीं 1.5 साल हो गए हैं मेरे को इस बाइक को चलाते हुए। मैंने 50,000 किलोमीटर के लगभग इस बाइक को चला दिया है, जिसमें कि एक बार मीटर मैंने चेंज कराया है इसका, क्योंकि वो यहाँ पे चूहा मतलब खा गया था ये बटन, तो यहाँ से पानी चला गया था तो वाटर डैमेज हो गया था। वो ये रिप्लेस किया हुआ है और चैन सेट चेंज कराया हुआ है मैंने, और डिस्प्ले डिस्पैड चेंज कराए हैं मैंने 3 या 4 बार, आगे पीछे वाले दोनों। चैन सेट मेरा सिर्फ एक बार चेंज हुआ है 50,000 पे, और बाकी ना तो मैंने इसमें क्लच प्लेट वगैरह कुछ जलवाई ना कुछ। और अब करते हैं इसकी 5 बुराइयां के बारे में बात, क्योंकि सबसे पहले बुराई ही देखी जाती है, अच्छाई आप में कितनी भी हो कोई नहीं देखता, तो अपन भी पहले बुराई से ही चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी, जो मेरे को बढ़िया नहीं लगती, वो है इसके पैनल गैप्स। मतलब मेरे को ये इशू है, इसमें पैनल गैप्स है बहुत ज़्यादा ही है पैनल गैप्स, और ये बसते हैं फिर थोड़े से, मतलब ऐसे थोड़ा अनोइंग लगते हैं, बसते तो नहीं है इतने। और बात करूं तो फिर इसकी जो एयर रशिंग का इशू है, टीवीएस की हर बाइक में मिलेगा आपको ये, एग्जॉस्ट का जो मतलब एग्जॉस्ट का जो पाइप आता है ये बैंड पाइप, इसमें रशिंग हो जाती है, फिर यहाँ पे पीछे रशिंग हो जाती है यहाँ पे इस साइड। जैसे कि मेरे पास टीवीएस विक्टर भी है, उसमें भी सेम इशू है। और बात करें तो इसका सीट कंफर्ट, मतलब मैं इसको बढ़िया 300-400 किलोमीटर की राइड तक भी ले गया, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इसकी सीट, पूरा बैक पेन होने लग जाता है, बिल्कुल भी बढ़िया कंफर्ट नहीं है इस सीट का। मतलब ना राइडिंग पोस्चर इसका स्पोर्टी है, फिर भी पता नहीं क्यों, या तो कुशनिंग अच्छी नहीं है इस सीट की, और सेम पिलियन वाली सीट के साथ ही है, दोनों सीट कंफर्टेबल नहीं है इसकी। जैसे कि अब मैं दिखाऊं भी तो, अब ये इतनी हार्ड सीट है, कुशनिंग अच्छी नहीं है इस सीट की, ना तो पीछे वाले की ना आगे वाले की, और ये मेरी सीट फट गई थी, किसी ने गिरा दी थी, अब क्या बोलें उसको, कोई ना। और अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ की, जो मतलब नेक्स्ट बुराई मतलब नेक्स्ट बैड थिंग, ये जो मीटर है इसका, इसमें वैसे कोई इशू नहीं है, पर अगर जब आप रात को हाईवे पे राइड करते हो तो ये मीटर बहुत ब्राइट है, मतलब इसकी जो लाइट है एलईडी है वो बहुत ब्राइट है, मतलब जो भी ये डिस्प्ले है इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उससे क्या आपको ये लाइट आंखों में पड़ती है, और सामने चाहिए लाइट कितनी भी बढ़िया, मतलब कितनी भी बढ़िया एलईडी होए, पर ये जब आंखों में पड़ेगी आपके तो सामने आपको विजिबिलिटी मतलब होगी पर इतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर ये आपके पास बाइक है तो आप यहाँ पे इस पर फिल्म, ब्लैक फिल्म चढ़वा सकते हो, इसको थोड़ा बहुत टेंट करवा लो तो सही हो सकता है, मैं भी करवाऊंगा, मैंने करवाई नहीं अभी, मैं सोचता हूँ इसका भी वीडियो बना दूंगा एक। तो एक ये मीटर हो गया, सीट हो गई, और साइलेंसर वाला हो गया, और पैनल गैप हो गई, चार चीज़ हो गई। और फिफ्थ जो मेजर इशू जो मेरे को लगता है वो है इसका टॉप एंड, मतलब मिड तो बहुत स्ट्रांग है इसका, क्योंकि इतना बड़ा चेंज पॉकेट दे रखा है, उससे क्या इसका पिकअप तो बहुत अच्छा है, पिकअप में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा स्टार्ट देती है, मतलब इनिशियल तो बहुत ही बेटर है, मिड भी स्ट्रांग है, पर जैसे ही ये 130 के पास जाती है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे वो फील नहीं आता कि अपन 200 cc की बाइक चला रहे हैं, मतलब 130 के बाद में एकदम स्लो हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, पर 130 तक तो इसका कोई मतलब जवाब नहीं है, टॉप एंड बढ़िया नहीं है, और मेरे को टॉप एंड ही चाहिए था, पर कोई ना। अब करते हैं इसकी बढ़िया चीज़ों के बारे में बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं तो ये एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अब कोई भी बंदा, जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ ठीक है मतलब चला जाता है यहाँ तक, पर किसी का हाथ बड़ा हो या छोटा हो, मतलब जिसकी उंगलियाँ नहीं पहुँच रही हो, वो छोटा कर सकता है बड़ा कर सकता है, उस काम के लिए ये एडजस्टेबल, आप इसको आगे भी कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हो, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और मोड्स, इसे मोड्स दे रखे हैं ये, मतलब ये फीचर्स में ही काउंट कर लेना इसको, एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये मोड्स मिल जाते
तीन मोड्स मिल जाते हैं आपको इसमें, जैसे कि अभी पूरा मीटर स्टार्ट होने दो, फिर दिखाता हूँ आपको। अर्बन में है अभी ये स्पोर्ट्स, ये रेन, ये अर्बन, ये तीन मोड मिल जाते हैं आपको, जिसमें कि अगर आपको एवरेज निकालना हो या फिर आपको सिटी राइड करनी हो तो आप अर्बन में इसको चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया 40 तक का एवरेज निकाल देगी। मैंने एवरेज मतलब 1 लीटर में कितना पेट्रोल मतलब कितना एवरेज देती है वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना जाके। और अब दूसरी चीज़ की बात करें जो इसकी लुक्स है, लुक्स तो चलो ठीक है अपनी अपनी पसंद होती है, पर इसकी लाइट की बात करें तो इसका थ्रो काफ़ी बढ़िया है, बस ये मीटर का इशू हट जाए तो काफ़ी बढ़िया है, इसकी लाइट कोई इशू नहीं आता। और इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें जो शोवो ने डिज़ाइन किया है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी मतलब रेपुटेटेड ब्रांड्स में आता है, वो सस्पेंशन फ्रंट वाला इसका बहुत ही शानदार है। और तीसरी चीज़ की मैं बात बताऊं, जिसको 200 सीसी सेगमेंट में कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता इस बाइक को, इसकी ब्रेकिंग इतनी स्ट्रांग है, मैं 150 पे भी बचा हुआ हूँ, 150 पे भी, मतलब जस्ट इतनी प्यारी इंजन ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग है इसकी बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकिंग है, मैं नहीं कर सकता। और इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत प्यारा कंट्रोल है इस बाइक का, इतना शानदार कंट्रोल मैंने मतलब इतनी बाइक चलाई है 200 सीसी सेगमेंट में, पल्सर, पल्सर 220, पल्सर NS 200, R15, ये सारी बाइक चला के देख रही है, पर इसमें जो स्ट्रांग फील आता है वो इसी भी बाइक में मेरे को देखने को नहीं मिला। और ड्यूक तो है ही कितना, अब लगती होगी आपको क्योंकि उसकी ब्रेकिंग बढ़िया नहीं है, एकदम लाइट मशीन है, कहीं भी इधर उधर खिंड जाती है वो। पावर है इसमें, उसमें टॉप एंड कुछ भी होगा जाए, पर इसमें स्टेबिलिटी, कंट्रोल, ब्रेकिंग सब कुछ आपको मिलता है, सिर्फ टॉप एंड ही नहीं होता। और अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इसका एग्जॉस्ट नोट की इसकी बात करें तो मैं आपको सुना ही देता हूँ, एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो मैं सुना देता हूँ आपको, आप खुद जज कर लेना कौन सा बेटर है, ड्यूक या फिर इसका। इसका एग्जॉस्ट नोट। और फिफ्थ जो इस बाइक की रिलायबिलिटी है उसकी बात करते हैं, मैंने सिर्फ मतलब मैंने 50,000 किलोमीटर बाइक चला दी है 1.5 साल में, और सिर्फ इसका चेंज पॉकेट चेंज कराया मैंने, ना क्लच प्लेट, सिर्फ मेजर मतलब सर्विस हुई है कंपनी से, और कुछ भी चेंज नहीं करवाया मैंने। और डिस्क पैड तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो करवानी पड़ती है, और आपके चलाने के हिसाब से भी है, 50,000 चल गई तो ये तो होंगी। और मैंने पीछे वाला टायर चेंज कराया है सिर्फ, वो भी मैं विली वगैरह बहुत मारता था उस टाइम पे, तब ख़त्म हो गया था पीछे वाला टायर। रिलायबिलिटी इस बाइक की बहुत ही शानदार है, कोई कंपीट नहीं कर सकता। ड्यूक का कभी इंजन उड़ जाता है, पल्सर का तो चेंज पॉकेट 1500-2000 किलोमीटर में आया रहता है, 1500-2000 किलोमीटर पे तो नहीं, 5-6 हज़ार किलोमीटर में मान सकते हो, उसकी चैन खर 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 करती रहती है, आवाज़ आती है उसमें गंदी सी। मैंने 50,000 पे इसको चेंज कराया। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश